फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और वो भाई है दिवाली की सफाई, और मैं आई हूँ अभी अपनी दवाई लेके, क्योंकि सर में बहुत दर्द था, बहुत ज़्यादा। इतना काम बहुत ज़्यादा घर गंदा था, क्योंकि दो तीन रक्षाबंधन पर सफाई की तब से की नहीं, तब से ज़्यादा इतना बहुत गंदा घर हो गया था। उसकी वजह से मेरे गैस बन गई, एसिडिटी और सर में दर्द बहुत ज़्यादा। इतना परेशान गया कि मार्केट से आए, और जो मैंने घर का काम किया है पूरे ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको। आइए देखना आपको, फिर बताना कमेंट करके कैसा लगा। और कुछ लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। भैया सब्सक्राइब कर दिया करो, तो जो नए लोग हैं और जो पुराने वो लाइक कमेंट भी कर दिया करो, जरूरी है। और दिखाती हूँ आप लोगों को पूरा साफ सफाई सब, और दो दिन में कर पाई। कल का पूरा दिन लग गया, आज का आधा दिन। और अभी मैं आई हूँ मार्केट से थोड़ी सी डॉक्टर को दिखा के, ये सर में बहुत दर्द था ज़्यादा। चलिए ठीक है, आइए आपको दिखाती हूँ सब पूरा काम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अब बज रहे हैं रात सुबह के 11:30 सॉरी। और मैं लगूँगी अपने काम में। देखो किचन, मैंने सोचा सबसे पहले किचन साफ़ कर लूँ, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा डिब्बे, छोटे छोटे डिब्बे और छोटे छोटे बर्तन, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए मैं किचन में लग गई हूँ, और पूरी किचन मैंने नीचे उतार के रख लिए, सारे बर्तन सब नीचे उतार के रख लिए मैंने। पहले डिब्बे साफ़ कर दूँ और ये बर्तन जो है ना ये साफ़ कर दूँ, क्योंकि खाना मैंने सुबह ही बना लिया है जल्दी से, क्योंकि फिर खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता है और किचन का सामान भी फैला पड़ा रहता है। इसलिए मैंने खाना जल्दी से बना के, और मैं कर रही हूँ ये डिब्बे साफ़, क्योंकि दिवाली का ज़्यादा टाइम भी नहीं रहा है, थोड़ी सा टाइम रह गया है और दिवाली भी आने वाली है, तो फिर तैयारियाँ शुरू कर दूँ। और ये मैं ऊपर टाट पे चढ़ी हूँ, मैंने सोचा पहले डलिया साफ़ करूँ, क्योंकि सारे बर्तन नीचे उतार लिए, वो दोबारा धो के लगाऊँगी। और ये डलिया काफ़ी दिनों से साफ नहीं हुई थी, काफ़ी महीनों से रक्षाबंधन पर मैंने सफाई की थी, क्योंकि लास्ट में ये बरसात हुई है ना, उसमें इतनी गंदगी हो गई है घर में। और मैं ऊपर टाट, देखो ये टाट साफ़ कर रही हूँ सबसे ऊपर वाला, क्योंकि ये कुर्सी रख के चढ़ना पड़ता है। देखो कितनी गंदगी निकली, यहाँ पे एक चूहा रहता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता है, हमेशा छोटी छोटी चीज़ ला के एकदम ऊपर रखता जाके। ये देखो गाइस, मैं कितनी सफाई, मतलब इतनी गंदगी निकल रही है, समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। बस किचन की सबसे ज़्यादा गंदगी किचन में होती है, कमरे से भी ज़्यादा। फिर मैंने सोचा चलो किचन से ही शुरुआत करती हूँ, फिर मैं जा रही हूँ कमरे में। मैंने सोचा लाओ पहले पर्दा निकाल के रख दूँ, क्योंकि किचन के डब्बे भी तो मैंने साफ़ कर दिए, लेकिन पर्दा निकाल के इन्हें भिगोने डाल दूँ उसमें, मशीन में, वॉशिंग मशीन में, सरफ में। तो थोड़ी देर जैसे सरफ में भीगने के बाद उसके बाद मैं धोऊँगी। क्योंकि वो काम ज़रूरी है, इसलिए मैंने फिर मैं दोबारा आ गई किचन में। मैंने सोचा चलो दोबारा करती हूँ उसके साथ। और काम करते करते तब तक बाहर बेचने वाला आ गया एक, उससे मैंने एक डब्बा लिया। क्योंकि एक दिन में सफाई हो ही नहीं पाती है घर की, दो दिन में हो पाई, कल भी की और कुछ। अब ये नेक्स्ट डे है और मैं सुबह मैंने कहा झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि सुबह दिन की कल की बहुत ज़्यादा, कितनी भी सफाई करो लेकिन तब भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। क्योंकि जो धूल टाट मैंने साफ़ किए थे, वो धूल इतनी जमी हुई थी कमरे में बहुत ज़्यादा। तो आज झाड़ू लगाया, काफ़ी निकली, वैसे कल भी लगाया था झाड़ू पोछा, लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा इसमें निकल रहा है गंदगी। मैंने सोचा पहले झाड़ू पोछा कर दूँ, अंदर का पूरा साफ़ करके डाल दूँ, उसके बाद कुछ और थोड़ा सा काम रह गया है बाहर, टीन जो पड़ी है ना उसमें भी थोड़ा सा काम रह गया, वो भी मैं कर दूँ साफ। सब टीन में काम रहता है, क्योंकि टीन में जाला वाले लग जाते हैं, अभी बारिश हुई उसकी वजह से जाले वाले ज़्यादा हैं, लैटिन और टीन, ये दो जरूर साफ करनी है। ये दूसरा दिन है सुबह का, अब मैं पहले सबसे पहले मैं टीन ही साफ़ करूँगी बाहर की, ये झाड़ू लगा लेने के बाद। और कल तो मैं इतना थक गई थी कि बस मेरे इतने, मतलब सर में दर्द,
मैंने सोचा सारा काम करके, ये नेक्स्ट डे सारा काम करके उसके बाद मैं जाऊंगी, थोड़ी सी दवाई लेने जाऊंगी, डॉक्टर के पास दिखाने जाऊंगी, क्योंकि मेरे सर में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा। और ये मैं आ गई स्टडी टेबल, कल करी नहीं थी क्योंकि ऊपर ऊपर टाड़ वाड़ साफ़ कर दिए थे जाले वाले, तो आज मैं ये कर रही हूँ। मैंने सोचा पहले इसे ही साफ़ कर दूँ क्योंकि इस पर धूल छह जाती है, छोटे मोटे जो सामान है ना गुलदस्ते वगैरह और ये ड्रेसिंग टेबल, मैंने इसको भी साफ़ कर दूँ। ड्रेसिंग टेबल पर शीशा वीसा ये इस पर बहुत धूल जम जाती है, पंखा चलता है ना उसकी वजह से। और मैं आ गई हूँ अब टीन में, क्योंकि टीन में ये सोफ़े रखे हैं पुराने हैं ये बहुत, क्योंकि अंदर नहीं रख सकते ये कबाड़े, सब कबाड़े में यहीं पे रखे हूँ बाहर, तो इसकी इसमें भी बहुत सारा सामान पड़ा है। इधर मेरी वॉशिंग मशीन चल रही है और इसमें धुल रहे हैं पर्दे। तेज वाला सिस्टम नहीं है। और ये मैंने पायदान वगैरह धो दिए हैं घर के सारे आज, क्योंकि पायदान धोने जरूरी थे क्योंकि गंदे हो गए थे कल में, कल तो इतना सारा काम हो गया था बहुत ज़्यादा, थोड़ा काम कल कर लिया और थोड़ा बचा वो मैंने अभी सुबह निपटा लूँगी। थोड़े से कपड़े थे उनके, मैंने उनको भी तय कर दिए, बुरे लग रहे थे देखने में, कोने में रहते हैं ये रोज़ के कपड़े हैं, क्योंकि वो बेटा निकालता रहता है पहनता रहता है, इतने से निकाल के बाहर जाता है, तो मैं सब पहले उन्हीं को तय कर दूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास। ये देखिए मेरी पूरी सफाई हो गई, अभी पर्दे नहीं लगे हैं किसी के भी, कोई पर्दे नहीं लगाए हैं। ये टाँड है कल किया था, आज का नहीं है ये। ये देखो सब पूरा साफ, पर्दे वर्दे लग जाएंगे तब थोड़ा अच्छा लगेगा। ये बुक्स लगा दी मैंने एक साइड में पूरी, ये गुलदस्ते साफ कर दिए, ये कांच के बर्तन, इस अलमारी में कंटेनर, कुछ खाने पीने का सामान, ये अंदर वाला कमरा है, ये अंदर वाला टाँड है, ये अलमारी के ऊपर बैग रख दिए और ये सब सामान ऊपर टाँड पे रख दिया, जो कबाड़े वाला सामान है ना फालतू वो सब टाँड पे लगा दिया है। अब पर्दा लगाऊंगी दो दिन बाद। ये कपड़े हम लोगों के, एक अलमारी मेरे, एक में बच्चों के पापा के कपड़े रहते हैं और एक में पैसे पुराने से, और एक में बेटा के। ये देखो किचन में कितने सुंदर बर्तन लग रहे हैं, ये मैंने किचन पूरी साफ कर दी आज पूरी, डिब्बे कितने अच्छे लग देखने में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड, और यही मैं वीडियो को अपना एंड करती हूँ। ओके बाय बाय, टेक केयर।